हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हमने लेयर वाली मटन बिरयानी बनाई है, बहुत मजेदार और बहुत अच्छी बनी है, खुली खुली बनी है। देखिए मटन भी कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, आप एंड तक बने रहिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। बिरयानी के लिए मैंने 500 ग्राम्स मटन लिया है, उसे मैरिनेट कर लूंगी। एक टीस्पून नमक डालेंगे, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश हो तो बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं अभी सारे मसाले इसमें नहीं डालूंगी, इसे मैरिनेट कर रखूंगी। आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर हम छोड़ देंगे। कुकर में मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल डाला है, बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालकर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से गोल्डन कर हम निकाल लेंगे। प्याज गोल्डन हो चुकी है, मैं सारी निकाल ले रही हूँ। अच्छे से फैला कर इसे ठंडा कर लेंगे। इसी में हम सारा मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे। 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेंगे। मटन हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आधा ग्लास पानी डालकर लिड को लगा लेंगे। लिड लगा लिया है मैंने, अब मटन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, 80% तक गला लेंगे। कुकर की 4 विजिल हो चुकी है, मैं लिड निकालकर चेक कर लिया है मैंने। अच्छे से हमारा मटन सॉफ्ट हो चुका है, देखिए 80% तक मैंने इसे गला लिया है। अब सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 कटोरी दही है, 1/2 लीटर था तो मैंने उसका आधा दिया है। 4 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर की और दही की कच्ची स्मेल चली जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद गरम मसाला सारा हम बाद में डालेंगे। इसमें मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है, बिरयानी के चावल डालना है उसमें, तो मैं उसमें थोड़ा सा शाही ज़ीरा डालूँगी, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लवंग डालेंगे, 2 इलायची डाली है मैंने और थोड़ी सी काली मिर्च, 2 तेज पत्ता और नमक डालेंगे, 1/2 किलो बासमती राइस है, इसे मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो कर रखा था। देखिए अच्छे से पक चुका है, अब हम उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। 1 बंच कोथिंबीर का मैंने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है, वो डाल लेंगे। जितना मैंने हरा धनिया लिया था उसका 1/2 मैंने पुदीना बारीक बारीक कट कर लिया है, वो भी डाल लेंगे। जायफल और जयवंत्री का छोटा छोटा पीस लेकर मैं उसे दरदरा पीस लिया है मैंने। 1/2 चम्मच मीट मसाला, 1/2 चम्मच मैं बिरयानी मसाला डालूंगी, आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से हमें पका लेना है। ये अच्छे से पक चुका है, अब हम उसमें प्याज क्रश कर डालेंगे। प्याज को हमें हमेशा लास्ट में डालना है ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आता है। हम साथ में ही डालकर मटन को बॉईल करेंगे तो मटन का कलर चेंज हो जाएगा। नमक वगैरह हम आप चेक कर लेंगे। नमक बिल्कुल करेक्ट है, आपके हिसाब से आप नमक डाल लीजिए। 1 नींबू का रस डाल लूंगी,
नींबू का रस हमें लास्ट में डालना है। देखिए ऑयल हमारा सारा अच्छे से ऊपर आ चुका है, हमारा ये बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। पानी बॉईल हो रहा है, अब हम उसमें चावल डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक को चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो थोड़ा सा डाल दीजिए। मैंने चेक कर लिया है। अब बॉईल आने तक हम इसे ढक लेंगे। जब भी हम राइस बॉईल करते हैं पानी को थोड़ा ज़्यादा रखना है, अच्छे से खुले पानी में पकेंगे तो हमारे चावल खुले खुले बनेंगे। अभी 80% तक कुक हो चुके हैं, मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी। राइस को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, देखिए कितने खुले खुले बने हैं हमारे चावल। हम लेयर वाली बिरयानी बना रहे हैं तो उसके सारे लेयर लगा लेंगे। अब स्ट्रेन किए हुए आधे चावल इसमें डाल लेंगे, बिल्कुल आधे डालेंगे, इसको अच्छे से फैला लेंगे। जब हम लेयर डालते हैं तो हमारी ग्रेवी गर्म होनी चाहिए, हम इसमें ऊपर ग्रेवी डालेंगे। आधा हम इसमें डाल लेंगे चावल की, हम सेकेंड लेयर डालेंगे और बिल्कुल थोड़े से बचा लेंगे। अच्छे से इसे भी हम फैला लेंगे। जो बचा हुआ है वो भी हम उसके ऊपर और एक लेयर डाल लेंगे। सेकेंड लेयर डाल चुकी हूँ, अब जो बचे हुए चावल है वो भी सारे इस पर डाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा उस पर कलर डाल लेंगे, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, मैं केसर कलर डाल रही हूँ। 2 चम्मच घी डाल लेंगे। जब भी लेयर वाली बिरयानी बनाते हैं आप तो ग्रेवी को थोड़ा सा थिक ही रखें, वरना आपकी बिरयानी थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगी। अब हम इसे कवर कर दम के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट तक हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे, हमारा मटन पका हुआ है तो हमें ज़्यादा देर इसे दम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।